फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा टैली। एंड टैली में मैं आज आपको बताऊंगा मल्टीपल करेंसीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। अभी मैंने टैली ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ वर्क इन एजुकेशनल मोड एंड एंटर करते हैं। मल्टी करेंसीज का यूज़ करते हैं जब भी आपके बिजनेस वर्ल्ड वाइड आपका बिजनेस है, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मींस ग्लोबली आप सब बिजनेस करते हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कर रहे हो, जहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग करेंसीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है, इंडियन रुपीज़ है। अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो, फॉरेन में जाते हो, तो वहाँ की करेंसी अलग होती है। उसके वाउचर का वो जो ट्रांजेक्शन होगा, तभी हमारी करेंसी एक्सचेंज होगी इंडियन करेंसी फॉरेन की करेंसीज में। फॉर एग्जाम्पल, डॉलर में आप कन्वर्ट करते हो इंडियन करेंसी, तो दोनों के रेट अलग हो जाएंगे। आपको एक डॉलर के लिए 72 रुपीज़ खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा। एंड वहीं पे पाउंड के लिए आपको 105 रुपीज़ एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग करेंसी होते हैं, उनके रेट अलग अलग होते हैं। जब भी हम एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मल्टीपल करेंसी। तो मल्टीपल करेंसीज के ट्रांजेक्शन किस तरह से आप टैली में करोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टैली ओपन हो चुका है, यहाँ पे मेरी कंपनी सेलेक्टेड है, नेम ऑफ द कंपनी एबी कंप्यूटर एजुकेशन आपको शो ऑन हो रहा होगा स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मल्टी करेंसीज के फीचर को एक्टिवेट करना पड़ता है। मल्टीपल करेंसीज के फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें प्रेस करना है कीबोर्ड से F11। F11 जैसे ही हम प्रेस करेंगे, F11 अगर आप प्रेस करते हो तो आपको आ जाएगा कंपनी फीचर्स। कंपनी फीचर्स में हमारे पहला ऑप्शन क्या है, अकाउंटिंग फीचर्स। तो हमें गो टू द अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स में आप आओगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा एनेबल मल्टी करेंसीज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अनेबल मल्टी करेंसी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अनेबल मल्टी करेंसी। इस फीचर्स को हमें क्या करना है, वाई प्रेस करके यहाँ पे आपको इस फीचर्स को एस करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल करेंसीज के ऑप्शंस को वाई प्रेस करके यहाँ पे एस कर देते हैं। एंड देन एंटर करके इस पेज को सेव करते हैं। इस पेज पे सेव करने के लिए आप दो ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, या तो एंटर कर दीजिए, या शॉर्टकट कीज यूज़ करना चाहते हो तो कंट्रोल ही करिए, आपका सेव हो जाएगा पेज। एंड बैक आ जाते हैं, एस्केप बटन प्रेस करके आप बैक आ जाइए गेटवे ऑफ टैली में। और यहाँ पे मास्टर में पहला ऑप्शन हमारा क्या है, अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में आते हैं तो फर्स्ट ऑप्शंस आपको मिलता है ग्रुप, लेजर एंड करेंसी। तो हमें अभी क्या लर्न करना है, करेंसी। तो करेंसीज में आते हैं तो करेंसीज में आपको ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन है क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, रेट ऑफ एक्सचेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें क्या करना है, करेंसी बनाना है। जिस भी करेंसीज को आप एक्सचेंज करना चाहते हो आपकी करेंसीज की, आपकी होम करेंसी से, वो करेंसी आपको क्रिएट करनी है। हमारी होम करेंसी यहाँ पे इंडियन रुपीज़ है ऑलरेडी, जो कि बना रहेगी। वो करेंसी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्रिएट करने की। अभी हमें जो करेंसी क्रिएट करनी है वो है डॉलर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा, सिम्बल आएगा डॉलर का। तो आप डॉलर का सिंबल ले लीजिए, Shift+4 प्रेस करते ही हमें डॉलर का सिंबल आ जाएगा। फॉर्मल नेम डॉलर हम लेकर यहाँ पर राइट कर देते हैं। एंड देन एंटर करते हैं एंड इसे सेव करते हैं। एंड देन दूसरा मुझे करेंसी क्रिएट करना है जिसका नाम है पाउंड। तो यहाँ पे मैं पाउंड करेंसी क्रिएट करने के लिए आपको कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करना है, 156 आपको प्रेस करते ही पाउंड का साइन आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे फॉर्मल नेम, आपको फॉर्मल नेम टाइप करना है पाउंड। तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं पाउंड एंड एंटर करके इस करेंसी को सेव करते हैं। अभी हमने दो करेंसी क्रिएट कर लिया है। आपको एक्स्ट्रा और भी करेंसी चाहिए, जापानीज हो, चाइनीज हो, सबके लिए अलग अलग कोड होता है। मैं कोड की लिस्ट आपको दे दूंगा, जिससे आपको इजिली कौन सी करेंसी के लिए कौन सा कोड आपको प्रेस करना है, क्योंकि सारे आपको जो भी करेंसीज आपको क्रिएट करनी है उसके सारे सिंबल आपके कीबोर्ड पे नहीं है, तो वो कोड के थ्रू यहाँ पे, जैसे अभी हमने पाउंड के लिए Alt 156 यूज़ किया, वैसे ही अलग अलग करेंसीज के लिए अलग अलग कोड है। तो अभी मैंने फिलहाल एग्जांपल्स के लिए मुझे दो करेंसी चाहिए थी, जो कि दोनों करेंसीज मैंने क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद स्किप करके हम बैक आ जाते हैं करेंसीज में। हमारा क्रिएट हो चुका है, हमने कौन कौन सी करेंसी क्रिएट कर रखी है वो अगर हमें देखना है, तो हमें क्या करना है, गो टू द डिस्प्ले। डिस्प्ले में आते हैं तो लिस्ट ऑफ करेंसीज आपको शो ऑन होगा, जिसमें पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है डॉलर, पाउंड एंड रुपीस। अगर आपने एक्स्ट्रा बना रखी है लिस्ट अपने करेंसीज की, तो और भी आपको लिस्ट दिखाई देगी। फिलहाल मैंने दो ही करेंसीज के क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें है डॉलर एंड पाउंड, तो डॉलर एंड पाउंड शो ऑन हो रहा है। तो स्किप कर देता हूँ। अभी आ जाते हैं यहाँ पे अल्टर।
अल्टर में क्या होगा कि आप किसी भी करेंसी में, अगर आपको करेंसी नहीं चाहिए, आप डिलीट करना चाहते हो या इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो या आपको लगता है कि आपने करेंसी क्रिएट करते टाइम कोई मिस्टेक कर दी है, तो आप अल्टर करके उसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे फॉर्मल नेम में कोई मिस्टेक लगता है आपको या आपको सिंबल में कोई मिस्टेक लगता है तो आप उसे चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही अल्टर करोगे तो आपको ऑप्शंस दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है जिसमें दो प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद, जैसे पॉइंट $2.23 है तो 23 तक लेगा एंड थर्ड डिजिट नहीं लेगा, ओनली टू डिजिट। अगर आपको थर्ड डिजिट चाहिए रहेगा तो यहाँ पे 3 टाइप कर दीजिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, दो वर्ड में आपको डेसिमल्स के बाद चाहिए रहेगा तो 2 रखिए। वर्ड रिप्रेजेंटेड आफ्टर द डेसिमल नहीं चाहिए हमें, सो अमाउंट इन मिलियन नहीं शो करना हमें। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिम्बॉल, सिम्बॉल एंड अमाउंट के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, अगर आपको चाहिए तो एस रखिए अदरवाइज नो। अब यहाँ पे आता है रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो हर एक करेंसी का अपना रेट होता है। एग्जांपल के लिए जैसे आपका इंडियन रुपीस करेंसी, इंडियन है, रुपीस है, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीस है। अगर रुपीस को मुझे एक्सचेंज करना है डॉलर में तो हमारा रुपीस जो कि डॉलर है, एक डॉलर की वैल्यू होगी 74 रुपीस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेट ऑफ एक्सचेंज हमें सेट करना पड़ता है, जिसमें स्टैंडर्ड रेट फॉर एग्जाम्पल मैंने 72 या 74 दे दिया, जो भी रहेगा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा चेंज होते रहता है। तो जो भी आपका एक स्टैंडर्ड रेट होगा कि 74 या 73 या 72 जो भी लेना है, वो डेट यहाँ पे एंटर करना है। जैसे देख लीजिए मैं अगर एंटर करके आ जाता हूँ तो यहाँ पे डेट पूछेगा, उसे डेट डालना है, फिर स्पेसिफिक रेट हमें एंटर करनी है, देन डेट आपको आएगा कि आपका ये रेट ऑफ एक्सचेंज है जिसमें सेलिंग रेट क्या होगा एंड बाइंग रेट क्या होगा। तो इसे इस तरह से भी सेव कर सकते हो, अदरवाइज मुझे दोनों को साथ में करना है तो हमारे पास स्किप करके बैक आ जाता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है रेट ऑफ एक्सचेंज, आप चाहिए रहेगा तो रेट ऑफ एक्सचेंज स्किप कर लेता हूँ। रेट ऑफ एक्सचेंज आपको सेलेक्ट करके एंटर कर देनी है, जिसमें रेट ऑफ एक्सचेंज आप सेट कर सकते हो दोनों करेंसीज का एट अ टाइम। डॉलर के लिए मैंने स्टैंडर्ड रेट सेट कर दिया 72 रुपीज एंड सेलिंग 73 एंड 74 रुपीज बाइंग रेट। एंड पाउंड के लिए मैंने सेट कर दिया 104 103 105 हो जाएगा फिर एंड 106। एज एग्जाम्पल के लिए मैंने करेंसीज का स्टैंडर्ड सेलिंग रेट एंड बाइंग रेट सेट कर दिया एंड देन क्या किया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने जो भी रेट सेट किया हुआ उसे देखना हो आपको तो आप डिस्प्ले में जा सकते हो एंड करेंसीज, जैसे ही एंटर मारोगे डिस्प्ले में तो आपने जो भी रेट सेलेक्ट किया हुआ है, जो भी सेट किया हुआ, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड अगर आप कुछ अल्टर करना चाहते हो तो आप अल्टर सेलेक्ट कर लीजिए, अल्टर पे भी जाओगे तो आपको आपने जो भी करेंसीज रेट आपको लगता है करेंसी रेट का आपको चेंज करना है, कुछ अल्टर करना है उसमें, या करेंसीज के रेट चेंज हो गए तो आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो इस तरह से, अगर आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है तो मैं स्किप कर लेता हूँ। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पहले आपको करेंसीज के फीचर्स को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कर लेने के बाद आपको जाना है अकाउंट इन्फो में एंड यहाँ पे करेंसी आपको सेलेक्ट करना है, करेंसी में क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर एंड रेट ऑफ एक्सचेंज। इतना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ये काम करना है किसी भी ट्रांजेक्शन को करने से पहले। एंड देन नेक्स्ट अभी आता है कि आपको कोई सम सॉल्व करनी है करेंसीज के, अब ट्रांजेक्शन करोगे। ट्रांजेक्शंस करने के लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिसको आपको एक सम देता हूँ जिसे आपको सॉल्व करना है। मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, एक सम यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो स्टेट पे आपने परचेस कर रहे हो कुछ, परचेस 100 बैग्स ऑफ सुगर बैग फ्रॉम फॉरेन foreign seller at £10 £10 per bag
अभी ये सम सॉल्व करना है, हमने एक परचेस किया हुआ है, तो अभी ये ट्रांजेक्शन आपको किस तरह से पास ऑन करना है, अब कैसे करोगे ये एंट्रीज वो दिखा देता हूँ मैं। ये एंट्रीज करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ लेजर क्रिएशन करना है। ओके, तो उस लेजर क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा, या डायरेक्टली हमें करना है अगर ये ट्रांजेक्शन करना है तो मैं गो टू द अकाउंटिंग वाउचर, या आपके जो भी वाउचर क्रिएट करने से पहले हमें लेजर बनाना पड़ता है पार्टीज के, लेजर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, गो टू द अकाउंट इन्फो एंड यहाँ पे लेजर एंड क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे एक से ज़्यादा लेजर अभी क्रिएट करने हैं तो मैं यहाँ पे मल्टीपल लेजर लेता हूँ एंड ऑल आइटम्स ले लेता हूँ। यहाँ पे कुछ लेजर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे फॉरन फॉरन बायर का बना लेता हूँ आगे के सम के लिए, फॉरन बायर रहेगा एंड सेलर रहेगा। अगर फॉरन का बायर है तो क्या रहेगा, संडे डेटर रहेगा हमारा, अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं, एंड फॉरन ये रहेगा आपका सेंडे क्रेडिटर एंड एक्सपोर्ट सेल्स, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट सेल्स आएगा जो कि सेल्स अकाउंट में आपके जाएगा। और देन यहाँ पे अगर हम परचेस करेंगे तो क्या रहेगा, इम्पोर्ट आएगा, तो यहाँ पे इसे हम रखेंगे परचेस अकाउंट पे। तो ये मैंने 4 लेजर बना लिया जो कि मेरे आगे के सम्स के लिए एग्जांपल जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके यूज़ के लिए, तो मैंने एट अ टाइम ये जितने भी लेजर्स को मुझे नीड थी वो मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया। अब स्किप करके बैक आ जाते हैं, ट्रांजेक्शन करने के लिए मैंने आपको क्या ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि परचेस 100 बैग्स ऑफ शुगर बैग्स फ्रॉम द फॉरेन सेलर। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक शुगर बैग आप परचेस कर रहे हो, तो ये स्टॉक का आइटम का नाम है, ये भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे टैली में, इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं, स्टॉक आइटम एक क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है शुगर बैग। इसको यहाँ पे रखता हूँ अंडर फिनिश गुड, एंटर कर देते हैं, क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, रेट भी नहीं है, एंटर करके एंड बैक आ जाते हैं। तो मैंने एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, यानी स्टॉक आइटम बना लिया जिसकी हमें नीड है, जो हम परचेस कर रहे हैं जिस स्टॉक को। अब हमें ट्रांजेक्शन करना है तो गो टू द ट्रांजेक्शंस अकाउंटिंग वाउचर। अभी हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं, परचेस 100 बैग्स ऑफ शुगर बैग्स फ्रॉम द फॉरेन सेलर्स, 10 pounds पर बैग। एक बैग की वैल्यूज कितनी है, 10 pounds है, जो कि आप परचेस कर रहे हो, किससे परचेस कर रहे हो, हम फॉरेन सेलर्स, फॉरेन सेलर से हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। तो हमारा पार्टीज नेम यहाँ पे क्या आएगा, फॉरेन सेलर, यहाँ पे इनवाइस नंबर दे देता हूँ PUR, जो भी आपको देना रहेगा, एक इनवाइस नंबर, डेट ले लेते हैं। अब पार्टीज का नेम क्या है, फॉरेन, मैंने सेलर रखा हुआ है, फॉरेन सेलर सेलेक्ट कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर है तो इट्स ओके, नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे एंटर स्किप कर। अब परचेस लेजर में आप क्या रखोगे, इम्पोर्ट, अगर आप परचेस कर रहे हो तो क्या आएगा, इम्पोर्ट आएगा। नेम ऑफ आइटम आपने क्या किया है, शुगर बैग आपने परचेस किया है, क्वांटिटी कितनी हमने परचेस की हुई है, 100, तो यहाँ पे 100 देते। रेट आपसे पूछा जाएगा, एक बैग की वैल्यूज कितनी है, यहाँ पे सब में देख लीजिए, एक बैग्स की वैल्यूस है 10 pounds है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पाउंड टाइप करना है 10। अब 10 टाइप किया, पाउंड्स का साइन चाहिएगा, ऑल्ट 156 करके छोड़ देना आपको, जैसे रिलीज करोगे माउस आ जाएगा 10 pounds एंड एंटर करोगे तो यहाँ पे हमें ओपन हो जाएगा रेट ऑफ एक्सचेंज, जिसमें रेट इन फॉरेक्स दिखाई देगा। यहाँ पे $10 हमने लिया हुआ है, रेट ऑफ एक्सचेंज है उसका 106। रेट ऑफ एक्सचेंज जब परचेस करते टाइम, ये तो हमने रेट ऑफ एक्सचेंज सेट किया था तो बाई डिफॉल्ट ले लेगा, मान लो आज का रेट ऑफ एक्सचेंज 107 है तो आप यहाँ पे 107 टाइप कर सकते हो। तो अभी मेरा को रेट ऑफ एक्सचेंज यही है तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एंड एंटर कर देते हैं। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया जो अपने परचेस की एंट्री पास ऑन कर ली। अब इसका हमें अगर प्रिंट करना है, इनवाइस प्रिंट करना है इस परचेस का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करना है या Alt P कर सकते हो, तो प्रिंट पे क्लिक करिए, जैसे
प्रिंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वाउचर प्रिंटिंग आ जाएगी। यहाँ पे विथ प्रीवियस है तो मैं इसे विथ प्रीवियस कर लेता हूँ कि ये प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखेगा। उसके लिए विथ प्रीवियस का बटन को यहाँ पे एक्टिव रखने का, नो प्रीवियस अगर आपको नहीं देखना है, डायरेक्टली आपको प्रिंट देना है तो न्यू नो प्रीवियस करिए प्रीव्यू। एंड यहाँ पे हमें प्रीव्यू देखनी है तो हम रखते हैं विथ प्रीव्यू। ओके एंड देन यहाँ पे प्रिंट को एस कर देते हैं। तो ये रहा इनवाइस, हमारा ओपन हो जाएगा जिसमें फॉरेन सेलर दिखाई देगा, इनवाइस नंबर आपने क्या दिया हुआ है, कंसिडर और कंपनीज का नेम आ जाएगा आपके। यहाँ पे हमें सप्लायर का रेफरेंस नंबर रहेगा, आपने शुगर बैग परचेस किया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, रेट उसका क्या है, 10 pounds है, डिस्काउंट कुछ है नहीं है, तो टोटल अमाउंट कितना होता है यहाँ पे आपको सो ऑन करेगा कि 100 है, 10 pounds है तो रेट उसका इतना होता है, ये यहाँ पे भी आपको दिया रहेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनवाइस जनरेट कर सकते हैं हम लोग। अगर आपको इनवाइस प्रिंट करनी है स्किप कर दीजिए, अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, प्रिंट हो जाएगा। अब इसे सेव करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या एंटर करके इसे सेव करूँ, अदरवाइज आप चाहिए रहेगा तो कंट्रोल ए भी करके आप इसे क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट देखिए कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा ये इंडियन रुपीज़ में भी कितना पैसा होता है, यहाँ पे आपको शो ऑन करेगा कि यहाँ पे दिखाई देगा 10,600 हो जाता है अगर 1 rupee 6 का जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज है, कितना आपका पाउंड यहाँ पे होता है 1.06 का इसका रेट है, एक यहाँ पे 1 pound का कितना होता है 1.06 होता है। तो यहाँ पे आपको सोना ऑन करेगा रेट ऑफ एक्सचेंज एंड एंटर करिए। इस तरह से आप इस ट्रांजेक्शन को, नरेशन लिखना है तो नरेशन लिख सकते हो, बींग परचेस शुगर बैग फ्रॉम द फॉरन सेलर्स। तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन भी नोट डाउन कर सकते हो एंड ट्रांजेक्शन लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको लिख देना है बींग परचेज शुगर बैग्स फ्रॉम फॉरन सेलर जो भी है, एट द रेट कितना है, एट द 1.6 जो भी आपका जितना भी पाउंड इसका रेट रहेगा वो आपको यहाँ पे सेट डाउन कर देना है, एट द जितने पाउंड रहेगा वो रेट आपको डालना है, एट द 10 pounds है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एट द 10 pounds के रेट से आपने परचेस किया हुआ है पर बैग। तो ये नरेशन था, हमें नोट डाउन करना है एंड एंटर करना है एंड इस तरह से हमारा एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो ये है रेट ऑफ एक्सचेंज, आपको इस तरह से सेल्स एंड परचेस करने हैं। अगर हम एक सेल्स की भी एंट्रीज कर लेते हैं, नेक्स्ट एंट्रीज देख लेते हैं। नेक्स्ट मान लो ये एक हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकेंड ट्रांजेक्शन है sold hundred bags of sugar to foreign buyer at 25 dollar per bag। अभी यहाँ पे आप सोल्ड कर रहे हो 100 bags of sugar टू द फॉरन बायर को, फॉरन बायर को आप बैग सेल कर रहे हो, 100 बैग सेल्स कर रहे हो आप, जिसका रेट है एक बैग का रेट कितना दे रहे हो आप, 25 डॉलर का एक बैग है। अभी इसके ट्रांजेक्शन किस तरह से आप करोगे, आ जाते हैं टैली पे, टैली पे आते हैं तो अभी आप सोल्ड कर रहे हो तो एफएट आपको प्रेस करना है, एफएट प्रेस करते ही हमारा सेल्स वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा जिसमें पहला ऑप्शन क्या है, रेफरेंस नंबर। आपको क्या करना है, रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर दे देता हूँ। अगर हम सोल्ड कर रहे हैं तो रेफरेंस नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं, कोई भी रेफरेंस नंबर आप दे सकते हो। उसके बाद आता है पार्टीज अकाउंट नेम, पार्टीज का नेम क्या है, आप किसको सोल्ड कर रहे हो,
फॉरेन बायर को, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉरेन बायर। ऑलरेडी मैंने फॉरेन बायर करके अकाउंट्स क्रिएट किया हुआ है। अगर आपने लेजर अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है, आप चाहिए रहेगा कि आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है, तो आपके पास है अल्ट सी बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगा, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो फॉरेन बायर, देन अंडर ग्रुप पूछेगा आपको, लेजर ग्रुप में आपको रखना है सेंट्री। डेटर होगा जिसको हम अगर कुछ सेल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, सेंट्री डेप्टर होता है, तो यहाँ पे डेटर आएगा। एंड देन उसका एड्रेस एंड मेलिंग एड्रेस ये सब एंटर आपको फिल करना है, देन एंटर कर देना। तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ तो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ एंड यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉरेन बायर एंड एंटर करते हैं। लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर्स, अगर ट्रैकिंग नंबर्स है तो यहाँ पे नंबर्स आप एंटर कर सकते हो एंड एंटर। ऑर्डर डिटेल्स अगर है तो ऑर्डर डिटेल फिल कर दीजिए, बायर की डिटेल्स है तो बायर का एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। एंड एंटर करते हैं नेक्स्ट। प्राइस लेवल कुछ है तो ठीक है। सेल्स लेजर आपसे पूछेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपोर्ट सेल्स आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो फॉरेन के को आप सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल्स आएगा। नेम ऑफ आइटम आप क्या कर रहे हो, शुगर बैग्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे दे देते हैं। गोडाउन में मेन लोकेशन रख लेता हूँ। कितना आप फॉरेन सेलर को कितना 100 बैग हम क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, यहाँ पे कितना बैग्स हम सेल कर रहे हैं, 100 बैग्स हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से 100, तो यहाँ पे हम 100 दे देते हैं। एंड रेट उसका क्या दिया हुआ है, एक का रेट है $25, तो यहाँ पे डॉलर के पहले यहाँ पे 25 टाइप कर देंगे। डॉलर का साइन यहाँ पे कंपलसरी है, विदाउट अगर 25 अगर मैं यहाँ पे डॉलर नहीं दूंगा तो ये 100 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे जो वैल्यूज दिखाई देगा वो इंडियन करेंसी में होगा। जब तक अभी ये जो हम परचेस कर रहे हैं 25, ये पर डॉलर है, इसलिए हमें यहाँ पे डॉलर का साइन डालना है। 25 के बाद आपको डॉलर का साइन देना है। जैसे ही आप डॉलर का साइन एंटर करते हो तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में उसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है एंड एंटर करोगे, देन उसके बाद आएगा रेट ऑफ एक्सचेंज। तो एग्जांपल के लिए अगर आपसे बोला जाता है कि आज का रेट ऑफ एक्सचेंज है जो है वो 74 रुपीज़ है, तो आपको टाइप कर देना है 74। अगर आपको बोला जाता है 75 है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 75 आपको एंटर कर देना। तो रिमेंबर रखिए कि जब भी आप 75 टाइप करोगे तो जैसे करेंसीज का रहेगा, अभी यहाँ पे एंटर करेंगे उसी तरह से आपको साइन देना है। यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ, मान लो 75 है तो यहाँ पे 75 दे देते हैं एंड यहाँ पे डॉलर का साइन वापस से डाल देता है एंड एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। एंड एंटर करना है आपको, यहाँ पे दिखाई देगा 100 क्वांटिटी है, यहाँ पे आपको $2,500 होता है। अगर हम 75 रुपीज़ के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करते हैं तब यहाँ पे हो जाता है 1,87,500 रुपीज़ होता है, अगर हमें $2,500 का अगर रेट निकालना है 75 रुपीज़ के हिसाब से। देन यहाँ पे हमें नरेशन राइट डाउन कर देना है, बीइंग सोल्ड हंड्रेड शुगर बैग टू फॉरेन बायर। इस तरह से नरेशन राइट डाउन करना है, एंटर करना है। अभी जैसे मैं एंटर करूंगा ये वाउचर सेव हो जाएगा। अगर इस वाउचर का हमें प्रिंट आउट निकालना है, आपको इनवाइस प्रिंट करनी है, तो आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे वाउचर प्रिंटिंग आ जाएगा, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया कि नो प्रीव्यूस एंड प्रीव्यूस आपको करना है, तो यहाँ पे मैं प्रीव्यूस रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नो प्रीव्यू का बटन है। अगर मैं नो कर दूंगा तो यहाँ पे इस वाउचर का कोई भी प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा, डायरेक्टली ये प्रिंटिंग के लिए वाउचर चला जाएगा। बट मुझे इसका प्रीव्यू देखना है तो विथ प्रीव्यू कर देते हैं एंड देन यहाँ से यस करते हैं, तो ये हमारा जो भी सेल्स का वाउचर का है वो यहाँ पे इस तरह से इनवाइस आ जाएगा, इनवाइस दिखाई देगा, एवी कंप्यूटर एजुकेशन एंड ये बायर की डिटेल होगी और ये सेलर की डिटेल्स है। एंड देन यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो शुगर बैग दिखाई देगा, क्वांटिटी 100 है, रेट क्या है उसका $25 है एंड टोटल अमाउंट होता है $22,500। एंड इस तरह से आपका ये है सेल्स इनवाइस है, आप इनवाइस भी प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट करना स्किप कर देता हूँ, अगर डायरेक्टली प्रिंट चाहिए तो प्रिंट भी कर सकते हो, आप मेल भी कर सकते हो यहाँ से। इस तरह से
अब चाहिए रहेगा तो एंटर एंटर करके इस ट्रांजेक्शन को सेव करिए, अदरवाइज हम कंट्रोल ए करके शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ए कर दीजिए, आपका वाउचर यहाँ पे काउंटिंग वाउचर सेव हो चुका है। इसकी रिपोर्ट अगर आपको निकालनी है, बाद में चेक ऑन करना है, तो आप रिपोर्ट से भी जाके देख सकते हो। रिपोर्ट वाले यहाँ पे आ जाइए, गेटवे ऑफ टैली एंड रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपको क्या सिलेक्शन करने है चाहिए रहेगा तो आप डिस्प्ले में जा सकते हो, गो टू द रिपोर्ट में डिस्प्ले। डिस्प्ले में आप अकाउंट्स बुक में जा सकते हो, अकाउंट्स बुक में आप सेल्स रजिस्टर में भी देख सकते हो कि आपने जून मंथ में क्या सेल्स किया हुआ है। तो यहाँ पे सेल्स रजिस्टर में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉरेन बायर का यहाँ पे दिखाई देगा। सिमिलरली डायरेक्टली आ सकते हो, या आप चाहिए रहेगा तो डे बुक में भी आप रिपोर्ट को चेक कर सकते हो। सेम थिंग परचेस रजिस्टर में भी जा सकते हो, आपने क्या परचेस किया हुआ है फॉरेन सेलर को, यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स दिखाई देगी, यहाँ से भी डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, इस तरह से आप चेक ऑन कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियोस में इतना ही, अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।